तो नमस्ते दोस्तों, देखिए आज मैं मसाला भिंडी बनाऊंगी बिना लहसुन प्याज का। मैंने तेल गरम करने के लिए कढ़ाई में रख दिया, मैं तेल गरम हो चुका है। उसमें हम जीरा को डाल देंगे, जीरा को तो चटकने देंगे, खोलेंगे ना एक बार। देखो हमारा जीरा हल्का लाल हो चुका है, अब इसमें हम भिंडी डाल देंगे। हम उसमें आधा नींबू का रस भी डाल देंगे, इससे क्या हमारा भिंडी अच्छे से फ्राई होगी। डालने के बाद हम इसमें थोड़ा नमक भी डाल देंगे, नमक और नींबू देके अच्छा से हम भिंडी को फ्राई करके निकालेंगे। देखिए दोस्तों, हमारा भिंडी अच्छे से फ्राई हो चुका है। ये भिंडी को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे, एक प्लेट में निकाल लेते हैं भिंडी को। हमने भिंडी को निकाल लिया एक प्लेट में। अब उसी कढ़ाई में देखिए, मैंने एक चम्मच तेल मैंने ऐड किया है, ज़्यादा तेल मैंने ऐड नहीं किया क्योंकि मैंने भिंडी भी फ्राई किया है, उसमें से भी तेल निकलेगा। अब उसी गरम तेल में हम टमाटर लिए हैं, एक बड़ा टमाटर मैंने काट लिया है, और मैंने एक चम्मच मैंने अदरक का पेस्ट लिया है। इसमें टमाटर और ये अदरक पेस्ट हम डाल देंगे। टमाटर और अदरक को हम अच्छे तरह से 2-3 मिनट तक फ्राई करेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने 2-3 मिनट अच्छे से टमाटर और अदरक को मैंने अच्छे से फ्राई कर चुका है। इसमें हम सोया मसाला ऐड करेंगे। देखिए मैंने सूखे मसाले में लिया है, मैंने एक बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, मैंने थोड़ा सा लिया है गरम मसाला, नमक स्वाद अनुसार, क्योंकि मैंने भिंडी फ्राई में भी नमक दिया है, और मैंने एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, एक बड़ा चम्मच रेड चिल्ली पाउडर लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे मसाले को, सब सूखे मसालों को। दोस्तों मैंने सब मसाले को डाल दिया है, सूखे मसालों को। इसमें थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे, नहीं तो हमारा मसाला जल जाएगा। बस मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया, अच्छे से हम मसालों को चला लेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने अच्छे से मसालों को चला लिया है, ऐसे ढक्कन लगा कर मसालों को अच्छे से भूनेंगे जब तक मसालों में से तेल ना निकल। तो देखिए दोस्तों, मैंने 10 मिनट तक लो फ्लेम पर मैंने मसाला को ढक कर पकाया है। देखिए हमारा मसाला कितना अच्छे से पक चुका है। अब इसमें हम भुना हुआ भिंडी डाल देंगे। देखिए दोस्तों, मैंने सब भिंडी को डाल चुका है, इसे बढ़िया से हम मसालों में मिला लेंगे। अब इसे ढक के हम 5-6 मिनट तक लो फ्लेम पर अच्छे से पकाएंगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने 10 मिनट तक मैंने लो फ्लेम पर मैंने भिंडी को बीच बीच में मैंने हिला चलाया था। देखिए मेरा मसाला भिंडी बन के रेडी है बिना लहसुन प्याज का, बहुत ही अच्छी बनती है। मेरी सब्जी रेडी हो चुकी है, अब हम गैस ऑफ कर देंगे। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छा लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। तब तक